दोस्तों आज का YouTube का सबसे पहला अपडेट ये है कि कृष्णा के बाद कर दिया है एमी वे बंटाई ने अपना नया डिस्ट्रैक रिलीज। लेकिन 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 अब क्रिएट हो गई है भैया कॉन्ट्रोवर्सी। कृष्णा ने भी एक नया डिस्ट्रैक रिलीज कर ही दिया है। अब ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग कृष्णा, वो भी हैशटैग शेम ऑन एमी वे के हैशटैग के साथ। एमीवे ने अपने रैप में कृष्णा की मॉम के बारे में कुछ गलत कहा है, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर काफी ज्यादा चढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही कृष्णा ने भी अपने रैप में एमीवे की गर्लफ्रेंड स्वलीना को अब्यूज किया था, और एमीवे ने अपने सफाई में यही कहा कि पहले कृष्णा ने उनकी गर्लफ्रेंड को अब्यूज किया था, इसीलिए उन्होंने उनकी मॉम के बारे में कहा। अगर कृष्णा उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलना छोड़ देंगे तो एमीवे भी उनकी मॉम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अब सबका कहना है कि भैया औरत तो औरत ही होती है ना। स्वलीना ने भी अपनी स्टोरी पर लिखा कि मॉम इज इक्वल टू वुमन, सिस्टर इज इक्वल टू वुमन, गर्लफ्रेंड और वाइफ इज इक्वल टू वुमन। अब इसी को लेकर कृष्णा के एक चैट रूम का ऑडियो का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आपको अंकित खन्ना भी दिखेंगे जो कलमकार चैनल के मैनेजर है। अब इस चैट रूम में वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एमवीवी के गाने पे लोग कोई कमेंट ना करे ताकि उनका गाना फेमस ना हो और उनके गाने की रीच ज्यादा ना बढ़ पाए। अब इसी को लेकर स्वलीना और एमवीवी ने अपनी स्टोरी पर भी शेयर करते हुए लिखा है कि किसी को गिराने के लिए कोई किसी हद तक गिर सकता है। अगले अपडेट की बात करें तो अमित भडाना, जो इतने टाइम से इनएक्टिव थे, मानो पगल के ट्रेलर के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने सोशल मीडिया से तो नाता ही तोड़ दिया हो। इसी को लेकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन देते हुए अपनी स्टोरीज पोस्ट करी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले उनकी मॉम हॉस्पिटलाइज हो गई थी और फिर उनकी दादी। उन्होंने आगे लिखा कि जब आपका कोई अपना ठीक नहीं होता है तो आपको ना तो खाना ना ही काम अच्छा लगता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और अब वो फाइनली ऑन ट्रैक आ जाएंगे। तो भैया अमित भडाना के फैंस के लिए तो आ गई है बहुत ही बड़ी खबर। अब गौरव तरेजा की बात करें तो भैया उनके रीसेंट अरेस्ट पर जोमैटो ने एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, वंडरिंग व्हाई नोबडी इज ऑर्डरिंग केक्स एट मेट्रो स्टेशन सिंस यस्टरडे। अब इसी पर रिएक्ट करते हुए गौरव तरेजा ने भी अपने ट्वीट में लिखा, हाई जोमैटो, वांट टू प्लान अ सरप्राइज फॉर माय वाइफ्स बर्थडे। अब नथिंग फोन 1 के बारे में तो आप लोग सुबह से सुन ही रहे हैं, तो इसी को लेकर साउथ के टेक यूट्यूबर प्रसाद टेक्नोलॉजी तेलुगु ने कहा कि किसी भी साउथ इंडियन टेक यूट्यूब क्रिएटर को इसका एक भी यूनिट रिएक्शन के लिए नहीं भेजा गया है। उनका ये कहना है कि साउथ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 5 states एंड पीपल रिजाइडिंग इन साउथ इंडिया, उनको पसंद है कि उनकी लैंग्वेज में ही उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसी को लेकर उन्होंने अपने ट्वीट में भी शेयर करते हुए दिखाया कि उनका #DearNothing इज ट्रेंडिंग इन इंडिया, तो मतलब कि भैया उनकी बात में तो काफी ज्यादा वजन है। अब भैया अदनान की बात करें तो भैया मेरी समझ के तो पार है कि ये क्या करना चाहते हैं। हाल ही में इन्होंने थगेश के ऊपर एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया है और शायद वो ऐसे ही बाकी यूट्यूबर्स का भी रोस्ट वीडियो निकालेंगे। अब ना जाने इनका ये रोस्ट वीडियो का सिलसिला तो कब ही खत्म होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक उनका ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इनका रोस्ट वीडियोस का ये सिलसिला कब तक चलने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।